वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा छोटू सा मिनी व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। आज मैं लेने गई थी अपने बच्चों के बेडरूम के लिए क्विल्ट सेट, जो कि मुझे एक ही शॉप पर जाकर पहली दफ़ा में ही ऐसा हुआ कि मैं पहली शॉप में गई और मुझे वहीं से ये पसंद आ गया। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, नहीं तो मेरी ये हमेशा से आदत है कि मुझे लगता है कि शायद मैं नेक्स्ट शॉप पर जाऊँ तो मुझे इसे ज़्यादा अच्छा पसंद आ जाए, इसे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई और मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखें, मैं इसी एक शॉप पर गई थी और मुझे ये जो है ना वो पसंद आ गया था। तो यहाँ पर मैं बाकी भी ब्लैंकेट्स देख रही थी, क्विल्ट सेट देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सॉफ्ट से थे ये। हमारे हमरटन बाज़ार की ही ये एक शॉप है जिस पर मैं गई और मुझे फ़ौरन से ये पसंद आ गए। तो मैंने सोचा मैं छोटा सा जो है ना वो मिनी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वाले क्विल्ट सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, जो के थे 14BD के और जो मैंने लिया था वो 8.5 का था, बट मैंने जो है ना वो कम करवा कर तो मैंने इसे 7BD का आई थिंक सो ये ले लिया था। तो ये मेरे बच्चों का रूम था पहले, जो कि ये क्विल्ट सेट मैंने ड्रैगन सिटी से लिए थे, बट ये मैंने अपने बाज़ार से ही जो है ना वो न्यू वाले ले लिए थे, क्योंकि ड्रैगन सिटी हमारे एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है। एक कोने पर हम हैं और एक कोने पर ड्रैगन सिटी है, इसलिए हमें वो बहुत दूर लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सेट मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना वो ख़रीदा है। दो क्विल्ट सेट मैंने लिए थे, क्योंकि दो बेड सेट हैं इसलिए दो क्विल्ट सेट ही लेने थे ऑफकोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहलों का कलर जो था ना, जो सेट था उसका कलर भी इससे कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि मुझे जो है ना वो ब्लू टोन में और ग्रे टोन में ना इनके रूम में ये बेडशीट ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आयरन किए बगैर ये बेडशीट जो है ना वो इस यहाँ पर डाल दी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट हो रही थी। मैं जब भी कोई नई चीज़ लेकर आती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं इसको जल्दी से यूज़ कर लूँ। तो ये मेरे बच्चों का ना बच्चों के रूम का एक व्यू है। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटू सा मिनी व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ये जो मैं एयर फ्रेशनर लगा रही हूँ ना, ये मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये मैंने घर पर बनाया है। लास्ट पर मेरी फजूल और सस्ती तरीन ट्रांजिशन, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। रब रखा।